बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आलू की समोसा बना रही हूँ। आलू की समोसे बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले तो मैं इसका जो समोसे की जो बैटर वो आटा बनाऊँगी, डो बनाऊँगी। तो उसके लिए ये मैंने लिए हैं 2 कप मैदा और 1 टीस्पून साल्ट, नमक और अजवाइन 1/2 टीस्पून और तेल जो है वो 4 टेबल स्पून डालूँगी मैं इसमें। और पानी गूंदने के लिए जितना ज़रूरत होगी उतना लेंगे। तो अब मैं इसमें ये नमक डाल देती हूँ, अजवाइन 4 टेबल स्पून, ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल डालने से इसकी क्रस्ट अच्छी बनेगी। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि ये तेल आटे के में बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। देखिए अच्छे तरीके से मिक्स करें। देखिए मैं इस तरह से, देखिए इस तरह से बन जाना चाहिए। अच्छी तरह से ये मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अभी मैं इसे पानी ऐड करती हूँ। पानी इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ज़्यादा एकदम नहीं डाल देंगे, ऐसा ना हो कि आटा बहुत ज़्यादा पतला हो जाए। और इसका आटा थोड़ा ज़रा नॉर्मल सा रखेंगे, सॉफ्ट भी नहीं होगा बहुत ज़्यादा। इस तरीके से हो गया, इसको मैं रख देती हूँ। 15 मिनट तक के लिए छोड़ देंगे इसको इसी तरह से ढक्कन ढक के। ये आलू के समोसे की फिलिंग बना तैयार करने के लिए जो अज़ा दरकार है, इसमें 3 दरमियाने साइज़ के आलू हैं जो कि बॉईल किए गए। इसमें नमक डाल के थोड़ा सा बॉईल कर लीजिएगा और फिर इस तरह से मैश कर लें। और 2 टेबल स्पून ऑयल लेना है, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून लाल सुख पिसी मिर्ची, हल्दी वो नमक आपके जायके के मुताबिक, मैं वैसे यहाँ पर 1 टीस्पून इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अलावा 1/2 टीस्पून के करीब जो है सूखी मेथी है और ये पिसा हुआ मतलब क्रश हुआ हुआ है साबित धनिया और ज़ीरा, ये 2 टेबल स्पून है। और ये 1 टीस्पून गरम मसाला है और ये हरा धनिया और चॉप किया हुआ अदरक है। अदरक को इस तरह से चॉप कर लें, ये भी एक 1/2 इंच का टुकड़ा अदरक लेके इस तरह से आप चॉप कर लीजिएगा। इसमें मैं 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करूँगी। ऐड कर लें ये अदरक, थोड़ा सा सौते कर लूँ, उसके बाद फिर मैं ये जो ड्राई मसाले हैं वो सारे ऐड करूँगी। आँच थोड़ी हल्की कर लें। ये रेड चिली पाउडर, पिसी मिर्ची डाल दी, हल्दी, नमक और ये ड्राई मसाले, गरम मसाला और साबुत धनिया, ज़ीरा। इसमें आलू में ऐड कर देती हूँ। साथ ही मैं हरा धनिया भी इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आप थोड़ा और स्पाइसी चाहते हैं तो इसमें आप हरी मिर्चें भी काट के डाल सकते हैं। मैं इसमें ज़्यादा स्पाइसेस वगैरह मिर्चें ज़्यादा ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि बच्चों को भी मिर्चें अगर आ जाती है तो तेज़ लगता है उन्हें, तो इसलिए हरी मिर्चें से मैं अवॉइड कर रही हूँ। इस तरीके से भून लेंगे, मसाला पूरा कवर्ड हो जाए आलू में, मसाला तैयार हो जाता है और इसको फिर ठंडा करके फिर मैं इसकी समोसे तैयार करती हूँ। देखिए ये मसाला तैयार हो गया। आप चाहें इसमें टेस्ट करके देखें, नमक आपके जायके के मुताबिक है। ये तैयार हो गया है मसाला।
अब इस मसाले को मैं ठंडा करती हूँ। ठंडा करने के बाद फिर इसमें समोसे की फिलिंग करेंगे। ये आटे की डो देख लें, ये तैयार हो गई, 15 मिनट हो गए इसको। ये आटा तकरीबन इस तरह से होना चाहिए इतना। ये इसमें पेड़े बना देती हूँ। इस तरह से बेल लेती हूँ। अगर मोटी अगर रखना है तो थोड़ा मोटा रखेंगे, बेलेंगे ज़्यादा पतला नहीं। इसमें से मैं बीच में से कट लगा देती हूँ। ये इस तरह से अब मैं फोल्ड कर देती हूँ एक तरफ से, और इसमें पानी लगा देती हूँ। ये दूसरी रेसी को फोल्ड कर दिए मैंने, प्रेस कर देंगे इनको अच्छे तरीके से। अब ये देखेंगे इस तरह से ले लें, इसमें ये फिलिंग भर देंगे। अब ये साइड में इसके पानी लगा दूँ। और ये देखो मैं इस तरह से इसको प्रेस करूँगी। थोड़ा सा नीचे रखे इस तरह से इसको प्रेस कर लेंगे। देखिए इस तरह से ये फोल्ड कर देंगे, और यहाँ मैं ये पानी लगा लूँ। अब ये दूसरा भी इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे इसके ऊपर, और यहाँ अच्छे तरीके से इसे प्रेस कर देंगे। अब ये इस तरह से इसमें मैं आलू फिल कर देती हूँ। आलू के मसाले की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मसालों में आप कमी बेशी कर सकते हैं, अगर आप लोगों को अपने जायके के मुताबिक थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा नीचे रख के उसको थोड़ा सा थोड़ा सा दबा देंगे। मैं फ्राई कर देती हूँ इनको, तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। तो मैं इसमें ये ऐड कर देती हूँ समोसे। मैंने बेहद हल्की आंच पे पकने देंगे इस वक्त तक, जब तक कि ये ब्राउन होते हैं। आंच हल्की ये इस तरह से देखिए, ये मैं पलट रही हूँ इन्हें। ये पलट के इन्हें दोनों तरह से ये अच्छे तरीके से पक जाएं, ब्राउन हो जाएं अच्छी तरह से। ये थोड़े थोड़े से अभी ब्राउन हुए हैं, थोड़ी मैं और ब्राउन होने तक इनको पकने दूंगी। उसके बाद मैं इनको डिश आउट करती हूँ। कम से कम इनको 10 से 15 मिनट तक तो कम से कम ये पकने चाहिए, इतना टाइम जो आप कम से कम देंगे इसको। ये तकरीबन ब्राउन कलर के हो गए, और अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। देखिए देखिए ये तैयार है। ये हरे मसाले का रायता मैंने बनाया है इन समोसों के साथ, और ये समोसे आप घर में बनाएं, देखें बेहद खस्ता और बहुत ही अच्छे बने हैं ये। देखें आप ये घर में आप बनाएं और बच्चों के साथ फैमिली के साथ एंजॉय करें। मेरी रेसिपी पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।